व्यक्ति ध्यान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आप पिछले एक साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस पलट, कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया। नीतीश कुमार पलटू मार है ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटू मार है जितने बड़े नीतीश कुमार है। घटना ने अभी जो हुआ है इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है जो अभी 2-4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर समर्थक कार्यकर्ता आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे, उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा, अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था।